जनूबी पंजाब समेत सबकी नजरें मुल्तान कचहरी के मालखाने पर। बरसगीर की तकसीम से कबल के मालखाने की खुदाई के दौरान कीमती नवादरात निकलने का इंकशाफ। मुबैना कदीम खजाने को दो रोज गुजर जाने के बाद भी डीसील न किया जा सका। कवायद जवाबत पूरा न होने पर इंतजामिया और सेशन जज ने आज डीसील करने का फैसला वापस ले लिया। माली बहरान का शिकार मुल्तान वासा को हुकूमत की जानिब से एक और धचका। पंजाब हुकूमत का वासा की सब्सिडी खत्म करने का फैसला। महकमा हाउसिंग मुल्तान वासा से 2 अरब की सब्सिडी वापस लेगा। वासा अपने जराए से खुद रेवेन्यू पैदा करेगा। खस्ता हाल सड़कें, सीवरेज और पानी के मसाइल से मिलेगा छुटकारा। पंजाब हुकूमत ने रहीमिया खान को करोड़ों के फंड से नवाज दिया। 100 स्कीमों के लिए 84 करोड़ के फंड जारी। 66 करोड़ सड़कों की अमीर। पब्लिक हेल्थ की 19 स्कीमों से सीवरेज और वाटर सप्लाई का निजाम बेहतर बनाया जाएगा। लैया करोड़ के मकीनों को टूटी फूटी सड़कों से मिलेगी निजात। करोड़ रोड की तमीर मरम्मत के लिए 11 करोड़ के फंड्स मंजूर। एमपीए शहाबुद्दीन ने मुहर्रम हराम के बाद रोड की मरम्मत की नावी दे दी। रिसर्च स्टेशन भावलपुर ने जदीद डेसिकेटर तैयार कर लिया। डायरेक्टर हार्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन डॉक्टर अखलाक अहमद का कहना है, अब बगैर किसी खर्च के खजूर खुश करके बागवान अपनी खजूर का 4 से 5 गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। डेसिकेटर की तैयारी पर सिर्फ 5 लाख रुपये लागत आई। बॉर्डर पार से टिड्डी दल के हमले का खतरा ताहाल मौजूद। कमिश्नर भावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत इजलास। मुतलका अफसरान ने सदारत टिड्डी दल मुहिम बारे ब्रीफिंग दी। मॉनिटरिंग टीम्स को पोस्टों पर तैनात रहने की हिदायत।